आज एकादशी, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो है आज की एकादशी का नाम सबको याद है क्या है? पाशा पाशंकुश एकादशी। कुश एकादशी। तो इस एकादशी को पापांकुश भी बोलते हैं, तो वो कथा में आता है। तो ये जो कथा है यह ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसके बारे में बताया गया था। मैं वहीं से इसके कुछ नोट्स निकाले थे, वही मैं पढ़ने की कोशिश करने वाला हूँ। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज और कृष्ण में चर्चा चल रही थी, तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछ लिया है, मधुसूदन मुझे उस एकादशी के नाम के बारे में बताइए, तो सितंबर अक्टूबर के महीने में जब ये आपका वैक्सीन वो होता है उसमें आती है, और कृपया मुझे उस एकादशी का महत्व समझाइए। अब कृष्ण तो दयालु है, उन्होंने बड़ी मिठास से करते हुए बताया, हे राजाओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आप जिस एकादशी की बात कर रहे हो उसका नाम है पाशांकुश एकादशी। अब मुझसे इस एकादशी का महत्व ठीक से, क्योंकि इस एकादशी को करने से सभी पाप जो है वह नष्ट हो जाते हैं, और इसीलिए कई लोग इस एकादशी को पापांकुश एकादशी भी कहते हैं। तो इस एकादशी के दिन आपको पद्मनाभ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह एकादशी ऐसी होती है कि आपको जो है स्वर्ग लोक से भी ज्यादा अच्छे जो क्या बोलते हैं सुख समृद्धि होती है वह दिला सकती है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती है। सिर्फ विष्णु का नाम लेने से आपको सभी पुण्य जो होली प्लेसेस है वहां पहुंचकर जितना पुण्य मिल सकता है उतना पुण्य केवल विष्णु का नाम लेने से इस दिन मिल सकता है। यदि कोई बद्ध जीव गलत कार्य में भी लग गया हो, भ्रमवश माया के अंदर आ गया हो, तो भी भगवान पद्मनाभ जी के चरण कमलों को दंडवत करने से इस दिन ये बद्ध जीव जो है नरक में जाने से बच सकते हैं। और जो वैष्णव शिव जी की क्रिटिसिज्म करे, या जो शैवाइट है जो विष्णु जी के बारे में ऐसा कर बोले, वे भी नरक में ही जाने वाले होते हैं। लेकिन जो पुण्य फल इस एकादशी को करने से मिलता है उससे वो बच सकते हैं। इस एकादशी को करने से 1,000 हॉर्स सेक्रीफाइसेस जिसे हम बोलते हैं, या 100 राजसूय यज्ञ करने का जो पुण्य है, वो पुण्य इस एकादशी के किए हुए पुण्य के 1/16 भी नहीं, मतलब 16 गुना ज्यादा पुण्य यह एकादशी व्रत करने से मिल सकता है। ऐसा कोई पुण्य इस पूरी भौतिक सृष्टि में नहीं है जो इस एकादशी को किए हुए व्रत के पुण्य के समान हो। ऐसा कोई दूसरा दिन नहीं है जो पद्मनाभ जी को इस एकादशी के इतना प्रिय। इसलिए हे राजन, जैसे ही कोई यह एकादशी करना भूल जाए तो एक्चुअली पाप उसके शरीर में रहना शुरू कर देता है। यह एकादशी अपने एक जिन्होंने यह एकादशी का व्रत किया है उन्हें हर प्रकार की मुक्ति भुक्ति स्वतंत्रता दिला देती है। उन्हें चाहिए तो अच्छी अच्छी स्त्री या बहुत सारा धन बहुत सारा धान्य मिल जाता है। इसलिए है राजन, यदि कोई इस एकादशी का व्रत कर ले और रात भर जपते रहे तो वह तुरंत ही भगवत धाम पहुंच सकता है, क्योंकि केवल भगवत धाम में ही यह संभव है कि वहां सब ऑपुलेंस हो, सब धान्य। ये कृष्ण बताते हैं कि हे राजन, इस एकादशी को करने से 10 पीढ़ियों
आपके माँ के बाजू की 10 पीढ़ियां आपके पिताजी के बाजू की और 10 पीढ़ियां आपके बीवी के साइड की भी मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। यदि कोई यह एकादशी व्रत बचपन से करता है, यौवन से करता है, इवन बुढ़ापे में भी कर लेता है, तो भी उसे किसी भी प्रकार की भौतिक समस्याओं से सामना नहीं करना पड़ेगा। एकादशी का व्रत पाशांकुश एकादशी के दिन करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और इस शरीर के अंत में उन्हें भगवत धाम जाने को मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति इस दिन सोना, तिल, भूमि, गाय, खाना, पानी, अम्ब्रेला या बलचिन्ह किसी को दान में देता है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी यमराज के लोक में नहीं जाना पड़ेगा। और यदि कोई व्यक्ति यह पूरा दिन किसी भी प्रकार के गलत चीजों से दूर रहे, पुण्य कर्म करते रहे, तो वह आगे ही बढ़ेगा। और यदि कोई उल्टा करता है तो उसे जीवित मृत व्यक्ति के समान समझना चाहिए कि भले ही वो सांस ले रहा हो, लेकिन उसकी सांस जो है वह उस सोने ब्लैकस्मिथ का जैसे आग में आग होती है ना, उसके समान है। इसलिए हे राजन, आप ये व्रत कीजिए। यदि कोई इस व्रत के दिन कुआं खोदे, लेक्स बनाए ताकि दूसरों को फायदा हो, भूमि दान करे, गृह दान करे या बाकी कोई भी पुण्य कर्म करे, यज्ञ करे, तो वह यमराज से बच जाएगा। इस दिन के पुण्य की वजह से इंसान जो है वो बहुत ही लंबी आयु प्राप्त करेगा, उसे पैसा भी मिलेगा, जरूरत पड़ी तो अगला जन्म किसी बहुत अमीर परिवार में मिलेगा और वह हमेशा हर प्रकार के जरा से दूर रहेगा, मतलब ही डिजीज लेस। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस एकादशी का व्रत करने से आपकी भक्ति कृष्ण के प्रति बढ़ेगी। ये डायरेक्ट रिजल्ट है। और इनडायरेक्ट रिजल्ट यह है कि जब तक आप इस अशाश्वत दुनिया में हो, तब तक आपको भौतिक फायदे भी मिलेंगे। इसलिए इस एकादशी का व्रत करते रहना चाहिए। पाशाकुश एकादशी महोत्सव की हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आज काफी देरी